देखो नेक्स्ट अ होलो चार्ज कंडक्टर हैज अ टाइनी होल कट इन टू इट सर्फेस शो डेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज सिग्मा अपॉन टू एप एल नॉट वेयर एन कैप एनके यूनिट वैक्टर इन द आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन एंड सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी नियर द होल अब एक कंडक्टर आप लो चार्ज होलो चार्ज कंडक्टर है अब होलो होगा तो होलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है जीरो होता है ठीक है तो आप देखो ये होलो चार्ज कंडक्टर ही हमने लिया ये होलो चार्ज कंडक्टर है इसमें आपने एक छोटा सा होल कर दिया ये, ये छोटा सा होल कर दिया आपने ठीक है तो होल कर दिया ये होल दिख रहा है आपको है? ये वाला होल है राइट और ये रिमेनिंग कंडक्टर है आपका ठीक सरफेस सरफेसि हमने क्या दे दी इसको सिग्मा सिग्मा सरफेस डेंसिटी दे दी अब आप सपोज करो होल को अलग सपोज कर लो और रिमेनिंग पार्ट को एक अलग यूनिट सपोज कर लो सो so, इनसाइड अगर हम देखें तो कहीं भी हम देखें तो सपोज करें होल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इस तरह से तो बाकी जो सरफेस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस तरह से ई वन तो हो गया रिमेनिंग और E2 हो गया ड्यू टू होल E2 क्या होगा ड्यू टू टाइनी होल और ईवन क्या होगा ईवन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिमेनिंग पार्ट ईवन होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पेयर रिमेनिंग कह सकते हैं तो रिमेनिंग पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो है ईवन और टाइनी होल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो है ई टू ठीक है अब आप देखो इस पॉइंट की मैं बात करूं ये एक पॉइंट ले लिया मैंने पी वन और एक पॉइंट ले लें हम पी टू राइट सो पी वन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ई पी वन बिकॉज पी वन है तो जीरो होगा अब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर ई वन इक्व टू ई टू होता है राइट right? जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग पार्ट बनाएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये टाइनी होल बनाएगा तो ई वन इक्व टू ई टू हो गया अब कंडक्टर के आउटसाइड पी टू पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी टू वो तो आपको पता है उसका फॉर्मुला क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सल एंड नॉट किसी भी कंडक्टर के अराउंड कंडक्टर के नियर सरफेस नियर कहीं भी कंडक्टर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मला क्या होता है सिग्मा अपॉन टू एफ्सल सिग्मा अपॉन एप्सल नॉट और आउटसाइड पी टू की बात करूं तो पी टू पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ई वन एंड ई टू ईन और ई टू इस पॉइंट पर टाइनी होल बनाएगा ई टू और रिमेनिंग बनाएगा इन तो P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एफसेल नॉट होता है हमें पता है और ये इवन ए का सम होता है बट हमें पता है दोनों इक्वल इक्वल होते हैं तो E2 होता की जगह मैं ई पुट कर सकता हूं ठीक है तो ई पुट कर देता हूं ई टू प्लस ई राइट और यहां पे क्या था एफसेल नॉट था तो ई टू प्लस ई टू सिग्मापॉन एफसेल नॉट है तो रिजल्ट आया हमारे पास टू ई टू इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्स नॉट तो E2 की वैल्यू क्या हो गई सिग्मा अपॉन टू एफ नॉट ठीक है तो ड्यू टू टाइनी हॉल होल जो बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और रिमेनिंग पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का इक्वल अपोजिट होगा यहां पर तो इक्वल अपोजिट मतलब ये दोनों इक्वल है और किसी भी कंडक्टर के आसपास कहीं भी नियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील होता है सिग्मा अपॉन एफ्सल नॉट ये आपको पता होना चाहिए कंडक्टर के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिग्मा अपॉन एफ नॉट ठीक है उससे हमने कंक्लूजन पहुंचे कि टाइनी हॉल भी क्या बनाएगा सिग्मा अपॉन टू एफ्सएल नॉट रिमेनिंग भी क्या बनाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्स नॉट दोनों को जोड़ देंगे तो किसी भी कंडक्टर के आसपास बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन है तो ये था वन